फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी के बजट को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें डंकी का बजट 85 करोड़ बताया जा रहा है और इस बजट में डंकी के कास्ट की फीस नहीं मिलाई गई है। अगर हम कास्ट की फीस को मिला दें तो डंकी का बजट लगभग 120 करोड़ बताया जा रहा है और अभी भी इस बजट में लीड एक्टर शाहरुख खान की फीस और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फीस को नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि आपको बता दें शाहरुख खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी डंकी के प्रोड्यूसर भी हैं, तो कहा आ रहा है कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान अपनी फीस के बदले डंकी के प्रॉफिट शेयर में से हिस्सा लेंगे। तो ओवरऑल कहें तो डंकी का बजट लगभग 200 से 250 करोड़ के बीच हो सकता है। आपको बता दें डंकी एक सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो हमें 21 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि डंकी का ट्रेलर हमें दिसंबर के पहले हफ्ते में देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि इसके ट्रेलर को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक की जाती है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे शाहरुख खान और उनकी आने वाली फिल्म डंकी के बारे में? हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा, आप अपना नाम बताओ बस। वांगी पुरप्पू वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर, हम लिख के दे दो। एनिमल के प्रमोशन के दौरान जब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया कि उन्होंने महेश बाबू को जो स्क्रिप्ट सुनाई थी जिसे एनिमल बताया जा रहा है, तो महेश बाबू ने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो इसका जवाब देते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि उन्होंने सुपरस्टार महेश बाबू को एनिमल की स्क्रिप्ट नहीं सुनाई थी बल्कि वो दूसरी कहानी थी जिसका वर्किंग टाइटल डेविल था और ये एनिमल से भी ज्यादा वायलेंट फिल्म होने वाली थी और महेश बाबू ने इस फिल्म को रिजेक्ट नहीं किया था बल्कि कुछ कारणों की वजह से इस फिल्म को नहीं बनाया गया। तो अब देखना होगा कि एनिमल के सक्सेस के बाद क्या संदीप रेड्डी वांगा उस फिल्म को बनाते हैं या नहीं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और महेश बाबू के कॉम्बिनेशन के बारे में? मेगा स्टार चिरंजीवी की मच अवेटेड फिल्म मेगा 156 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दें मेगा 156 एक एक्शन फैंटेसी फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर वशिष्ठ डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। मेगा 156 का फर्स्ट लुक पोस्टर दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगा है, तो देखना होगा कि चिरंजीवी की ये फिल्म कैसी होती है। आपको बता दें मेगा 156 एक पैन भारत फिल्म होने वाली है जो 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपने स्वयं के प्रोडक्शन हाउस को खोल लिया है जहां उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम जी स्कॉट रखा गया है और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जी स्कॉट के लोगों में हमें स्कॉर्पियन देखने को मिल रहा है और ऑडियंस इसका डायरेक्ट कनेक्शन रोलेक्स से बैठा रही है। अब उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम पर स्कॉर्पियन को क्यों रखा है ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी तक लोकेश कनगराज ने अपने इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनने वाली किसी भी फिल्म के बारे में बात नहीं की है, तो देखना होगा कि उनके इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर हमें कौन सी फिल्में देखने को मिलती हैं। द रेलवे मैन के सक्सेस के बाद YRF एक और सीरीज की प्लानिंग कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये सीरीज एक रिवेंज थ्रिलर सीरीज होने वाली है जिसके लीड में हमें कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे देखने को मिलेंगी और इस सीरीज को डेब्यू डायरेक्टर धर्मराज शेट्टी डायरेक्ट करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये सीरीज एक रिवेंज थ्रिलर सीरीज होगी जिसमें हमें कीर्ति सुरेश वर्सेस राधिका आप्टे देखने को मिलेगा। अभी तक इस सीरीज के बारे में ज्यादा नहीं किया गया है पर मेकर्स ने कहा है कि सीरीज को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे YRF की सीरीज के बारे में? विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म फैमिली स्टार पोस्टपोन हो चुकी है। अभी तक मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है पर कहा जा रहा है कि फैमिली स्टार के मेकर्स ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों को इस फिल्म की दो नई रिलीज डेट 8 मार्च और 22 मार्च बताई है। आपको बता दें फैमिली स्टार एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर परशुराम डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टर परशुराम ने विजय देवरकोंडा की फिल्म गीता गोविंदम को डायरेक्ट किया था और वहीं इस फिल्म में हमें विजय देवरकोंडा के साथ मृणाल ठाकुर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना का कैमियो देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि इस खबर को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। वैसे क्या आप विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के कॉम्बिनेशन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? सॉरी बाबाई, कंगारू लो कोबर का देवड़ा मार्च पे आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।